एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग याद करेंगे 10 नए वर्ड्स को, वो भी एक इजी ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पिछली वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है हेनस। हेनस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है विलनस यानी कि दुष्ट। हेनस का मीनिंग है विलनस यानी कि दुष्ट। अब देखिए हेनस शब्द से निकल के आएगा हीन। हेनस यानी कि हीन और हीन भावना से देखने वाला व्यक्ति वो क्या होता है, वो हेनस होता है यानी कि विलनस होता है, दुष्ट होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हेनस शब्द से हमने निकाल लिया हीन, और जिस व्यक्ति में हीन भावना कूट कूट के भरी होती है वो निश्चित रूप से क्या होता है, हेनस होता है यानी कि विलनस होता है, दुष्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है खैस। खैस और इसका मीनिंग है हाइडिंग प्लेस, सेक्रेट प्लेस या फिर गुप्त। ठीक है, खैस का मीनिंग है हाइडिंग प्लेस, सेक्रेट प्लेस यानी कि गुप्त जगह। ठीक है, अब देखिए खैस यानी कि कैश, और कैश को हम लोग किस जगह पर रखते हैं, कैश को हम लोग खैस जगह पे रखते हैं यानी कि सेक्रेट प्लेस, हाइडिंग प्लेस जो हो वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो खैस का मीनिंग है गुप्त जगह, सेक्रेट प्लेस। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट और इसका मीनिंग है अबेगर यानी कि भिक्षुक। मेंडिकेंट का मीनिंग है भिक्षुक। अब देखिए मेंडिकेंट शब्द से निकल के आएगा मंडी प्लस केन। मेंडिकेंट यानी कि मंडी प्लस केन, और मंडी में केन लेकर जो भिखारी भिक्षा मांगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेंडिकेंट होते हैं यानी कि बेगर होते हैं, भिक्षुक होते हैं। ठीक है, मेंडिकेंट शब्द से हमने निकाल लिया मंडी प्लस केन, और मंडी में केन लेकर भिक्षा मांगने वाले क्या होते हैं, मेंडिकेंट होते हैं यानी कि बेगर होते हैं, भिक्षुक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गौरी। गौरी और इसका मीनिंग है ब्लडी यानी कि रक्त रंजित। ठीक है, गौरी का मीनिंग है ब्लडी यानी कि रक्त रंजित। अब देखिए गौरी यानी कि गोरी मैम। ठीक है, गौरी गोरी मैम, और गोरी मैम आज़ादी से पहले भारतीयों को पीट पीट कर उनको क्या कर देती थी, गौरी कर देती थी यानी कि ब्लडी कर देती थी, रक्त रंजित कर देती थी। या फिर दूसरे शब्दों में गौरी यानी कि गौरी मैम, और गौरी मैम का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो गई, गौरी हो गई यानी कि ब्लडी हो गई, रक्त रंजित हो गई। नेक्स्ट लेबायल। लेबायल यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है अनस्टेबल यानी कि अस्थायी। ठीक है, लेबायल का मीनिंग है अनस्टेबल यानी कि अस्थायी। अब देखिए लेबायल शब्द में छिपा है लेबल। लेबायल लेबल, और प्राइज का लेबल जो होता है वो क्या होता है, लेबायल होता है यानी कि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, इस वजह से प्राइज का लेबल जो होता है वो लेबायल होता है यानी कि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। या फिर दूसरे शब्दों में लेबायल शब्द से हमने निकाल लिया लेबल, और पानी का लेबल हमेशा क्या रहता है, लेबायल रहता है यानी कि अनस्टेबल रहता है, अस्थायी रहता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है टेम्पोररी यानी कि अस्थायी। ठीक है, प्रोविजनल का मीनिंग है अस्थायी। अब देखिए प्रोविजनल शब्द से हमें याद आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें मिलता है वो क्या होता है, वो प्रोविजनल होता है यानी कि टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोविजनल शब्द को देखेंगे हमें याद आएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो प्रोविजनल होता है यानी कि टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फ्लिमजी यानी कि पतला। ठीक है, टेन्यूअस का मीनिंग है पतला, फ्लिमजी। अब देखिए टेन्यूअस साउंड्स लाइक टेनिस। टेन्यूअस टेनिस, और टेनिस के खिलाड़ी अक्सर क्या होती हैं, टेन्यूअस होती हैं यानी कि पतली होती हैं। ठीक है, तो टेन्यूअस शब्द का मीनिंग है फ्लिमजी या फिर पतला।
बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल और इसका मीनिंग है अनफ्रेंडली यानी कि शत्रुता। ठीक है, हॉस्टाइल का मीनिंग है अनफ्रेंडली यानी कि शत्रुता। अब देखिए हॉस्टाइल शब्द से निकल के आएगा हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टाइल यानी कि हॉस्टल। और कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल के लड़के एक दूसरे के प्रति क्या हो जाते हैं, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं यानी कि अनफ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के प्रति शत्रुता मोल लेते हैं यानी कि हॉस्टाइल मोल लेते हैं। तो हॉस्टाइल का मीनिंग है अनफ्रेंडली यानी कि शत्रुता। बात करेंगे अगले वर्ड की गार्नर। गार्नर या फिर गानर, इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, गार्नर या फिर गानर। और इसका मीनिंग है कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, गार्नर का मीनिंग है कलेक्ट इकट्ठा करना। अब देखिए गार्नर शब्द से हमें याद आता है गार्डेनर। ठीक है, गार्नर गार्डेनर, गार्नर गार्डेनर। और गार्डेनर यानी कि माली, जो फूलों को क्या करता है, गार्नर करता है यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, गार्नर शब्द से हमें याद आएगा गार्डेनर यानी कि माली, और गार्डेनर क्या करता है, फूलों को गार्नर करता है यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है क्रिंज। क्रिंज और इसका मीनिंग है खोवर यानी कि सिकुड़ जाना। ठीक है, क्रिंज का मीनिंग है खोवर यानी कि सिकुड़ जाना। अब देखिए क्रिंज साउंड्स लाइक सिरिंज। ठीक है, क्रिंज सिरिंज, और सिरिंज से इंजेक्शन लगाते वक्त छोटा बच्चा थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्रिंज शब्द से हमने निकाल लिया सिरिंज, और सिरिंज से इंजेक्शन लगाते वक्त छोटा बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है यानी कि खोवर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, क्रिंज का मीनिंग है सिकुड़ जाना। नाउ टेस्ट योर मेमोरी, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्रिंज। क्रिंज अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। क्रिंज, क्रिंज साउंड्स लाइक सिरिंज, और सिरिंज से इंजेक्शन लगाते समय छोटा बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है यानी कि कवर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, कवर यानी कि सिकुड़ जाना। नेक्स्ट गार्नर या फिर गानर, ऑप्शन नंबर थर्ड कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। अब देखिए गार्नर यानी कि गार्डेनर, और गार्डेनर क्या करता है, फूलों को गार्नर करता है यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।